हेलो एवरीवन, पाकिस्तान रेलवे में जॉब्स का ऐलान किया गया है और पूरे पाकिस्तान से लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप इस जॉब के लिए मोबाइल से फ्री अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, फॉर्म फिल करने का तरीका क्या है, फीस कितनी जमा करवानी होगी, अप्लाई की आखिरी तारीख कौन सी है, कितनी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल करके कहाँ भेजना है, उम्र की हद क्या है, कौन कौन से टेस्ट होंगे और तैयारी कैसे करें टिप्स और ट्रिक्स के साथ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। हम इस तरह के पास्ट पेपर, सिलेबस और PDF बुक्स अपलोड करते रहते हैं। अब हम इस जॉब के इश्तिहार को एक दफ़ा अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। इश्तिहार आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं। इसमें रेलवे सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट की जॉब है, इसके लिए क्वालिफिकेशन BSc मांगी है उन्होंने और एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट की जॉब है, इसके लिए भी उन्होंने BSc की डिग्री मांगी है और इसके लिए भी 25 साल का एक्सपीरियंस रेलवे में होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो जॉब है वो है रेलवे सिग्नलिंग एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सपर्ट, इसके लिए भी उन्होंने BSc की डिग्री मांगी है और 25 साल का एक्सपीरियंस रेलवे में मांगा है। इस दरख्वास्त को जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 17/4/2024 है और इसकी फ़ीस जो 2000 रुपये है। इसके लिए उम्र की हद क्या है, 25 साल तक उम्र की हद है। फॉर्म फिल करके कहाँ भेजना है, ये एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है, इस पर आपने अपना फॉर्म फिल करके भेजना है। फॉर्म को आपने अच्छे से फिल करना है ताकि आपकी जो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना कर दिया जाए। तैयारी कैसे करें टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर अच्छे नंबरों से टेस्ट पास करना है तो तैयारी सिलेबस के मुताबिक करें। इस टेस्ट की तैयारी के लिए 5 साल पास्ट पेपर, सिलेबस और PDF बुक्स हासिल करने के लिए गूगल पर testpoint.pk की वेबसाइट को सर्च करें। इसके अलावा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इस पर क्लिक करके भी आप तमाम मालूम हासिल कर सकते हैं। इसकी तैयारी सिलेबस वगैरह के मतलब हम मज़ीद वीडियोस भी बनाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कौन सी गलतियां नहीं करनी वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। फॉर्म जमा करवाने से पहले इश्तिहार में दी गई तमाम मालूमात को अच्छे से पढ़ें, तमाम चीज़ों को पूरा करें। फॉर्म जमा करवाते वक्त अपना नाम, ID कार्ड नंबर, वालिद का नाम, उम्र की हद, डिग्री और फ़ोन नंबर वगैरह को अच्छे से चेक कर लें। अगर ये चीज़ें गलत हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अप्लाई की आखिरी तारीख कौन सी है, 17/4/2024 इस दरख्वास्त को जमा करवाने की आखिरी तारीख है। टेस्ट की तैयारी के लिए रोज़ाना के बुनियाद पर सवालात हासिल करने के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है। अगर आप हमारे नंबर को testpoint.pk के नाम से सेव नहीं करेंगे तो मालूमात आपको नहीं मिल सकेंगी। अब हम आपको बताएंगे कि इस टेस्ट की तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट कौन सी है। उसके लिए बेहतरीन वेबसाइट testpoint.pk है। आपने गूगल पर जाकर testpoint.pk की वेबसाइट को सर्च करना है। testpoint की वेबसाइट पर आकर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ सर्च के ऑप्शन पर आपने जिस भी जॉब की तैयारी करनी है, जैसे अभी हमने रेलवे की जॉब की तैयारी करनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेल, तो और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके पाकिस्तान रेलवे पास्ट पेपर्स एंड सिलेबस यह आपके सामने आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है तो ये तमाम इसके PDF बुक्स, पास्ट पेपर्स, सिलेबस तमाम खुलकर आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ से आप अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। testpoint बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है किसी भी जॉब की तैयारी के लिए। आप भी यहाँ से अपने टेस्ट की तैयारी करें और इस वेबसाइट से फ़ायदा उठाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।